بسم الله الرحمن الرحيم موسس اراكين تنظيم بچاؤ اور بحالی کمیٹی اور قومی میڈیا کے دوستوں السلام علیکم وعلیکم السلام मौसिस अराकीन तंजीम बचाओ और बहाली कमेटी कौमी मीडिया के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों और आज के इस वर्कर्स इस्तकबालिया में मौजूद एमकेएम पाकिस्तान का एक एक कारकुन अस्सलामु अलैकुम मौसिस सहाफी हजरात आज हैदराबाद एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान ने मेरे एजाज में एक इस्तकबालिया रखा है। मैं हैदराबाद के कारकुनान और आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इस इस्तकबालिये का और मेरे हैदराबाद के दौरे का मकसद यह है कि तंजीम बचाने के और तंजीम को बहाल करने के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। आपके इल्म में ये बात है कि मुझ समेत एमकेएम पाकिस्तान के सैकड़ों हजारों कारकुनान ये अज्म कर चुके हैं कि हमें अब एमक्यूएम पाकिस्तान को बचाना है और बहाल करना है और 1986 वाली नजरियाती मुनज्जम मुतहर्रिक और एक फाल एमक्यूएम पाकिस्तान कायम करना है। कारकुनान की अक्सरियत कारकुनान की बड़ी तादाद ये महसूस कर चुकी है कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में चंद अफराद का चंद वडेरों का जागीरदारों का और एक कब्जा माफिया का कब्जा है। एमक्यूएम पाकिस्तान बानी एमक्यूएम के बाद
किसी की अमानत है। बानी एमक्यूएम के बाद उन्होंने बनाई एमक्यूएम को, कायम किया, एक नजरिया दिया, एक मुतवस्सत और गरीब तबके को एक प्लेटफॉर्म दिया। बानी एमक्यूएम के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान किसी फर्द वाहिद या चंद कब्जागीर लोगों की जागीर नहीं है। चंद कब्जा करने वालों की जागीर नहीं है, चंद वडेरों, आमिरों और कब्जा गीरों की जागीर नहीं है। ये कारकुनान की अमानत थी, कारकुनान की अमानत है और कारकुनान की अमानत रहेगी एमक्यूएम पाकिस्तान। ये कारकुनों की मिल्कियत थी, कारकुनों की मिल्कियत है और कारकुनों की मिल्कियत रहेगी एमक्यूएम पाकिस्तान। दुरुस्त। अब किसी फर्द वाहिद या चंद अफराद जिनका कब्जा है ये उनकी जागीर नहीं है। मैं ये बात यहां वाजे कर दूं कि बानी एमक्यूएम के बाद राबता कमेटी के लोग ही ये बात कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान में अब जमहूरियत है, आमरियत खत्म हो गई। तो मैं उनकी इस बात की तायीद करता हूं। अगर एक सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सरबरा को गुज़िश्ता इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सरबरा को अगर कम वोट लेने वाले राबता कमेटी के अराकीन अपनी नाम निहाद दो तिहाई अक्सरियत से सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सरबरा को अगर फारिग कर सकते हैं और कहते हैं कि ये उनका जमहूरी हक है, तो फिर हजारों लाखों कारकुनान भी आज सफ आरा हो रहे हैं, मुनज्जम हो रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी अपना जमहूरी हक दिया जाए। और अगर कारकुनान की अक्सरियत ये कह रही है कि ये राबता कमेटी चूंकि इस पर चंद अफराद का कब्जा है, चंद आमिरों का कब्जा है, कब्जा गीरों का कब्जा है, ये कारकुनान और अवाम का एतमाद खो चुकी है। जो 25 जुलाई के इलेक्शंस हैं आप उन्हें देखें, या जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनके नतीजे को देखें। ये बात वाज़े है, ये बात तय है कि कारकुनान का मोराल, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें एतमाद देने की जरूरत है, उन्हें एलिवेट करने की जरूरत है, उन्हें एक सिंप दिखाने की जरूरत है, एक मुतहर्रिक मुनज्जम सियासी जद्दोजहद शुरू करने की जरूरत है, इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि हम हारे भी और हमें हराया भी गया। न हारने की वजूहात पर कोई मीटिंग हुई, न हराए जाने की वजूहात जानने के लिए कोई इजलास राबता कमेटी का हुआ। इसका मतलब यह है कि इतना तबाह तो एमक्यूएम को कर दिया है, अब आगे मजीद और तबाह करने की तैयारी है। चुनाचे मैं
और हजारों लाखों कारकुनान अब खामोश नहीं रह सकते। हमने ये अज़्म किया है, हमने ये फैसला किया है कि हम एक तहरीक चलाएंगे जहां हम अपने बैरूनी सियासी मुखालफीन से लड़े, सियासी तौर पर लड़े, जमहूरी तौर पर लड़े, पुरमन तरीकों से लड़े, तो फिर पार्टी के अंदर भी जो पार्टी के मुखालिफ हैं, जो पार्टी के दुश्मन हैं, जिन्होंने पार्टी को अपनी जागीर बनाया है, जब हम बैरूनी मुखालफीन से लड़ सकते हैं तो हम पार्टी के अंदर भी जिन वडेरों, जिन आमिरों, कब्जा गिरों, मफाद परस्तों ने पार्टी पर कब्जा किया है, इंशाल्लाह इस कब्जे को छुड़ाने के लिए उनके साथ भी लड़ेंगे, सियासी तौर पर लड़ेंगे, जमहूरी तौर पर लड़ेंगे। पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे। और गो के हमारे पास बानी एमक्यूएम जैसा कंट्रोल और डंडा तो नहीं है हमारे पास, उसी का फायदा उठाया गया है, तो हमें डंडा चाहिए भी नहीं, हमें वैसा कंट्रोल चाहिए भी नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला कारकुनों की यकजहती, कारकुनों के इत्तेहाद और कारकुनों की सियासी और जमहूरी जद्दोजहद से एमक्यूएम को सही मानों में एक सियासी और जमहूरी जमात बनाएंगे, एक पुरअमन, अदम तसादुम और अदम तशद्दुद पर काम करने वाली तहरीक और तंजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा अज़्म है, एक सियासी एक जमहूरी, खालिसतन एक सियासी और जमहूरी जमात बनाएंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती दो तिहाई राबता कमेटी की अक्सरियत दिखाकर जबरदस्ती जबर के जरिए सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सरबराह को सरबराही से हटाएं, तो फिर असल ताकत कारकुनों की है, असल वोट कारकुनों का है। और जो फैसले इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों के चुनाव में हुए, सारे सीटें रेवड़ी की तरह बांटी गई हैं, जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को छोड़कर मनपसंद अपने मंजूरे नजर, अपने फेवरेट, अपने दोस्तों को जिमनी इलेक्शन में भी और मेन इलेक्शन में भी टिकट दिए गए और सारे उसूलों को पामाल किया गया, सारे कवायद और जवाबत को पामाल किया गया। और उस पर से तुर्रा ये कि हम उसूल पर, मेरिट पर, कवायद और जवाबत के मुताबिक पार्टी चला रहे हैं। मैं एक एक उम्मीदवार की मेरिट आपके सामने रख सकता हूं, बता सकता हूं, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। दोस्तों को नवाजा गया, रिश्तेदारियां निभाई गई, सारे उसूल और कवायद जवाबित सब तोड़े गए, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत है, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, ये रवैया इख्तियार किया गया, बंदरबांट की गई टिकटों की जिमनी इलेक्शन में भी और मेन इलेक्शन में भी। कोई दो तिहाई की मंजूरी नहीं ली जाती, सारे फैसले चंद अफराद करते हैं। अब मैं आता हूं
अगर कारकुनों का एतमाद बहाल करना है, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान, डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवेद, बाकी को छोड़ दें, आए मैं, आमिर खान और कंवर नवेद अपने कारकुनों का एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं कारकुनों का, और उसमें हम अपने गोशवारे पेश करते हैं कि 1986 में एहतसाब अपना करते हैं, अपने आप को कारकुनों के सामने एहतसाब के लिए पेश करते हैं। कंवर नवेद ये बताएं, आमिर खान ये बताएं कि 1986 में कहां रहते थे और आज कहां रहते हैं। अरबों रुपए मिले निजामत के दौरान हैदराबाद के मेयर को, आपको याद होगा, अरबों रुपए कराची में मिले और अभी भी मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मुशर्रफ के जमाने जैसे नहीं, लेकिन जो भी एमकेएम पाकिस्तान में है कि 1986 में आप क्या थे और आज आप क्या हैं, कल आपकी अमलाक, जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट क्या था, और आज आपकी अमलाक, जायदाद, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट क्या है। आइए कारकुनों की अदालत में अपने आप को पेश करते हैं। मैं अपने आप को पेश करता हूं कारकुनों की अदालत में, कंवर नवेद और आमिर खान भी कारकुनों की अदालत में खुद को पेश करें। आइए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और आज किस घर में रहते हैं, कल किस घर में रहते थे, आए फैसला करते हैं, जो कुछ कमाया कैसे कमाया, आइए अपना एहतसाब करें, खुद एहतसाबी के अमल से गुजरे और कारकुनों के सामने अपनी दौलत और अपनी अमलाक का हिसाब दें। आए, ये मेरा चैलेंज है, कंवर नवेद आए, और ये जो जब से मैंने एहतसाब की बात की है, जब से मैंने ये 26 अक्टूबर मैं कारकुनों से पूछता हूं, साहबियों को भी गवाह बनाता हूं, ये बताएं कि 23 अगस्त को आमिर खान कहां पर थे जब मैं निकला था रात को और कराची प्रेस क्लब गया और मुझे डीजी रेंजर्स ने बुलाया 22 अगस्त की उस तकरीर के बाद, मुल्क मुखालिफ नारों के बाद, तो मैं डीजी रेंजर्स के दफ्तर नहीं गया, पहले मैं प्रेस क्लब गया ताकि वहां जाकर जो 23 को मुझे कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, आईने पाकिस्तान के साथ हैं, तो इजारुल हसन मेरे साथ जरूर थे, आमिर खान कहां थे, ईमानदारी से बताए कि वो कहां थे, और 23 को भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान मेरे साथ नहीं थे, मैं आज ही पूछना चाहता हूं वो कहां थे और मेरे साथ 23 को क्यों नहीं थे। टेलीफोन पर हिमायत करना और बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना और 22 अगस्त की रात को निकलना पार्टी को बचाना, ये और बात है, ये और अमल है। चले तो एहतसाब का अमल है, गोशवारे पेश करें, अपनी जायदादें, अमलाक, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कारकुनों की अदालत में रखें और इन कैमरा सेशन कर लें, हम
मीडिया को नहीं बुलाएंगे, लेकिन कारकुनों को यह जानने का हक है, ठीक है ना। एहतसाब कराओ, तंजीम बचाओ, दुरुस्त। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, तंजीम बचाओ। अब हम लूटमार की इजाजत नहीं देंगे, अब हम करप्शन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान कौमी सतह पर करप्शन के खात्मे के लिए आगे बढ़े। हम एमक्यूएम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला करप्शन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार के बाजार को इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कराएंगे, ठीक है। एहतसाब कराओ, पार्टी बचाओ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, पार्टी बचाओ। तंजीम बहाल करो, तंजीम बचाओ। ये कारकुनों के नारे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी, तंजीम बहाली कमेटी, तंजीम बचाओ कमेटी, इसका मकसद यही है कि 5 फरवरी की पोजीशन पर जो हमारी तकसीम की लकीर है, उसी तकसीम के दिन जब हम उससे पहले इकट्ठा थे, यकजा थे, मुत्तहिद थे, हर कारकुन हर जिम्मेदार को उसकी इज्जत और एहतराम के साथ उसकी जिम्मेदारी और पोजीशन पर बहाल कराया जाए। कारकुनों को 5 फरवरी पर बहाल करो, तंजीम बचाओ। कारकुनों को बहाल करो, तंजीम बचाओ। तंजीम बहाल करो, ये हमारा मुतालबा है, ये हमारा नारा है, ये हमारी गुजारिश है। 86 में आमिर खान कहां रहते थे, आज कहां पर है, दुबई में क्या है, बताएं कारकुनों को कैसे आया, किस तरह आया, हिसाब दें। कवर नवेद बताएं, 86 में कहां रहते थे, आज कहां रहते हैं। मैंने तो भाई अपनी बुलेट प्रूफ का भी हिसाब दिया हुआ है, याद है नहीं याद है। और वही 9 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में मेरा सबसे बड़ा जुर्म थी कि मेरे खिलाफ पार्टी में भी लोगों को खड़ा किया गया और फिर मुझे और एमक्यूएम को जबरदस्ती इलेक्शन में हराया गया। एहतसाब होगा, करप्शन का खात्मा होगा। अब हम इस मिशन पे चल पड़े हैं। ये मैंने तंजीमी जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली। अब थोड़ा सा मैं कौमी सियासत पर भी बात कर लूं। मुझे सिर्फ इस वक्त मुल्क संगीन माशी बहरान से दो चार है, बड़े गौर से सुनिएगा ये नुक्ता भी। महंगाई अपने उरूज पर है, लोगों की कमर ही नहीं टूटी, लोगों की जिंदगियां भी अजीरन बन गई हैं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, गैस के निरखों में इजाफा हो गया, डॉलर बेकाबू हो गया, महंगाई बेरोजगारी बदतरीन हालात हैं। अब उसको हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके मालियाती वजीर असद उमर पूरी दुनिया से कर्जे ले रहे हैं, है या नहीं है भाई। सऊदी अरब से भी जो कुछ मिला है $6 अरब, तो ये ग्रांट तो नहीं है ना। चले तेल की अदायगियों में 3 अरब की आसानी है, तो ये भी उधार है, और बाकी $3 अरब जो आपके अकाउंट में डाले गए, जो आप अपने तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए अदा करेंगे, तो ये $3 अरब आपको 3 साल बाद तो देने हैं ना सऊदी अरब को। इसी तरह चीन से भी जो कुछ मिलेगा वो भी आपको वापस करना है।
आईएमएफ से जो 6-7 अरब डॉलर का कर्जा लेने जा रहे हैं वो भी आपको वापस करना है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरे पीटीआई के सरबरा मालियाती वजीर ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने 30,000 अरब रुपए तक कर्जा पहुंचा दिया, इस वक्त जो कर्जा लेने की रफ्तार है नई हुकूमत की, मुझे लगता है कि जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी तो 40,000 अरब रुपए का कर्जा होगा। 30,000 अरब का है, 30,000 अरब का है, और ये जितने भी लिए गए हैं आप लगा दें, 1 अरब डॉलर का मतलब है 125 अरब, तो 3 डॉलर सऊदी अरब से, 6-7 अरब डॉलर आईएमएफ के, 3 अरब डॉलर वहां से, तो ये कुल मिला के हम कहां तक पहुंच जाएंगे, हम 32-33 हजार अरब तक हम वैसे ही पहुंच जाएंगे सारा सूद वूद मिलाकर। तो मेरा ये कहना है कि ये कर्ज उतारेंगे कैसे, ये कर्ज उतरेगा कैसे, पहले ही महंगाई है, एक महंगाई का और तूफान अगर आ गया तो इस मुल्क में अफरा तफरी हो जाएगी, तवाइफुल मलूकी हो जाएगी, जराइम आसमान से बातें करेंगे, बेरोजगार नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान, इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि वो सिर्फ जराइम की दुनिया का रुख करे, तो उसके लिए क्या पॉलिसी है। तो ये सारी बातें यहां रखने का मकसद ये है कि आवाम को पता होना चाहिए कि माशी पॉलिसी क्या है, आगे किस तरह, और ये जो 70-75 दिन कितने दिन गुजर गए हुकूमत के, 75 हो गए नहीं हो गए, 100 दिन की बात थी ना, तो 75 दिनों में कितना कर्जा आपने ले लिया, आईएमएफ से 6 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, और 3 अरब डॉलर कम से कम चीन से, तो 12 अरब डॉलर का कर्जा तो ये ले लिया आपने, जो 1,500 अरब रुपए के बराबर है। तो फिर मुझे बताइए कि मजीद ये कर्जा आपने लिया, अब इन 75 दिनों में कराची पैकेज कहां है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहां है, हैदराबाद का पैकेज कहां है भाई, है? और वो जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, सना खान तख्ती से महाजिर कौमियत कहां है, सना खान तख्ती से शहरी सिंध कहां है, जो हर वक्त माला जपते हैं, सरकारी क्वार्टर्स का मामला हो तो उसे अब तक नहीं उठाया गया आला फोरम पर, कराची पैकेज नहीं चाहिए, हैदराबाद पैकेज नहीं चाहिए, जो 3 साल का पैकेज खैरात, हमें पैकेज नहीं, हमें जो रेवेन्यू हम देते हैं, जो टैक्स हम देते हैं, उसमें से हमारी आबादी के मुताबिक हमें अपना जायज हिस्सा चाहिए, दुरुस्त या गलत, जो हर साल कराची का 150 से 200 अरब सिर्फ कराची का हिस्सा बनता है, और हैदराबाद का 20 से 25 अरब हर साल हैदराबाद को मिलना चाहिए, हमें 10-10 अरब की खैरात नहीं चाहिए हैदराबाद पैकेज के नाम पर, ये हमारा हक है, हमें ये मिलना चाहिए। और फिर इस हक को हासिल करने के लिए हम तहरीक भी चलाएंगे, पुरमन जद्दोजहद करेंगे, पुरमन एहतजाज करेंगे, और जरूरत पड़ी तो धरने भी देंगे, मर्दुम शुमारी में कम गिना गया, हल्का बंदियों में हक मारा गया, गैर आईनी कोटा सिस्टम की तलवार अब भी हमारे सरों पर लटकी हुई है। तो इन सारे मामलात को अगर हम देखें तो मेरा ये कहना है मेरे भाई कि फिर हमारे पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं,
कि टैक्स भी हम दें, बेरोजगार भी हम रहें, तालीम के दरवाजे हम पर बंद हो, ये सारी तलवारें भी हमारे सरों पर हो, और उसके बाद अपना हक मांगे तो गद्दारी के सर्टिफिकेट भी हमें दिए जाएं, अपना हक मांगे तो गद्दारी के सर्टिफिकेट भी हमें दिए जाएं, तो फिर क्यों ना एक फैसला करें और फैसला कुछ जद्दोजहद करें और मुल्क में 20 इंतजामी यूनिट्स के कायम की फैसला कुन तहरीक चलाएं, जिसमें एक अपना भी इंतजामी यूनिट और अपना भी एक सूबा होना चाहिए, जुनूबी सिंध सूबा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैंने अवामी इश्यूज का भी अहाता किया, पानी के मसाइल हल किए जाएं, निकासियात के मसाइल हल किए जाएं, बल्दियाती इख्तियारात और बल्दियाती वसाइल दिए जाएं, और हमें टैक्सों में से हमारी आबादी के मुताबिक हमें हमारा हिस्सा दिया जाए हर साल, हमें ये पैकेज की खैरात नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब हमें समझना है कि हमें मांगना क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा हक क्या है और किस तरह मारा जा रहा है, और हमें अब क्या तहरीक चलानी होगी, सूबे की तहरीक, इंतजामी यूनिट की तहरीक के अलावा अब कोई और रास्ता है ही नहीं। ये गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाकी मैं यही गुफ्तगू मुझे कारकुनों से करनी थी, तो आपने इतना टाइम दिया मीडिया के दोस्तों, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मैंने ये आपके लिए ये पहले एहतमाम किया, कारकुनों के लिए जो बाद में एहतमाम करूं तो उसके भी कुछ ना कुछ शॉट बना लीजिएगा, और वो भी कहीं ना कहीं दुनिया को नजर आने चाहिए, कारकुनों की तादाद भी नजर आनी चाहिए। ये वो कारकुनान हैं जो नजरियाती कारकुनान हैं, जो एमपीएम की असास हैं, क्योंकि मैं इन कारकुनान को ना केएमसी में नौकरी दे सकता हूं, ना डीएमसी में, ना एचएमसी में, मैं कहीं नौकरी नहीं दे सकता, मैं इनकी वफादारियों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये बिकने वाले नहीं है, ना मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं बोली लगाऊं, ना मेरा जमीर ये गवारा करता है, ना इनका जमीर ये गवारा करता है। जो खरीदने वाले हैं और जो बिकने वाले हैं उनकी तादाद को देख लें, और आज यहां जो कारकुनान बैठे हैं उनकी तादाद को देख लें। रात को वसीम हुसैन भाई, शहजाद कुरैशी भाई और इनके कई और साथी आए थे और बहुत सारे चेयरमैन आए थे, उनके साथ आज का प्रोग्राम तय किया, कल रात को तय किया। ये सब कारकुनान सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये चाहते हैं कि ये वाहिद गरीब और मुतवस्सत तबके की जमात है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये महाजनों की जमात है, ये हर मजलूम की जमात है, ये हर सिंधी, पंजाबी, बलोच, हजारावाल, कश्मीरी, सराइकी, बलोच, पंजाबी, गिलगिती, बल्ती, ये हर मजलूम की जमात है, हर जबान बोलने वाले की जमात है। ऐसी सियासी जमात, मिडिल क्लास, आम आदमी की कोई और जमात नहीं। ये इसलिए आए हैं, ये इसलिए यहां पर आए हैं कि इन्हें भी ये फिक्र लग गई है कि ये चार सीटों पर खुश है कराची की, चार कौमी असेंबली की सीटों पर। कल अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए, अपनी जायदादें, अपने अमलात, अपने बैंक अकाउंट, अपने गोशवारे कारकुनों के सामने ना रखे, तो खुदा की कसम ये चार कराची की कौमी असेंबली की सीटें, ये दो या एक सीट ही इन्हें अगले इलेक्शन में मिलेगी। ये तो हैदराबाद की इस्तकामत है कि शायद मेयर आपका अगली मरतबा भी आ जाए, वरना कराची के मेयर ने तो राबता कमेटी के कब्जा गिरों के साथ फैसला कर लिया है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कराची के आखिरी मेयर है, इसके बाद ये मेयरशिप भी किसी और पार्टी को देने की तैयारी हो रही है। शेम शेम शेम।
हैदराबाद की इस्तेकामत है, उम्मीदवार साले कैसे ही क्यों ना हो, आप लगे हुए हैं, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। भाई हम भी तो इसीलिए वापस चले गए थे, मैं तो गया ना बहादुराबाद, दिल से गया, आप सबको छोड़ कर गया। तो उसके बावजूद अगर ये हालात हैं तो फिर अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जो हालात है। ये सारी बातें मैंने की हैं, मुझे सदमा है, मुझे अफसोस है, बहुत सारी बातें मैंने आज से पहले नहीं की थी, लेकिन आज मैंने 23 अगस्त को हमने एमक्यूएम को बचाया था, 23 अगस्त को, और 26 अक्टूबर को भी हमने एमक्यूएम बचाने का एक सफर शुरू किया है, और आज 7 नवंबर है, और आज हैदराबाद में भी कारकुनों ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी मराद याफ्ता मफाद परस्त टोले के कब्जे को पार्टी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई और जमात बनाने नहीं जा रहे, मैं कोई और जमात बनाने नहीं जा रहा हूं, ना मैंने पहले कोई जमात बनाई, ना मैंने पहले एमक्यूएम को छोड़ा, ना पहले मैं मुल्क को छोड़ के गया। ये उसमें भी कंपेयर कर लें, आ जाए आमिर खान, आ जाए कवर नवीद, आ जाए खालिद मकबूल, कंपेयर कर लें, कोई 15 साल उनसे बाहर, कोई 17 साल किसी और जमात में, कोई कहीं कोई कहीं। मैं मानता कंवर नवेद को लियाकताबाद की जगह वो हैदराबाद में प्रीटाबाद से लतीफाबाद से इलेक्शन लड़ते, अगस्त के बाद जब पहला दौरा मैंने किया था हैदराबाद का तो भी इसी हॉल से किया था, और आज फिर इसी हॉल में हम जमा हैं, यहीं से किया था, है ना, आज फिर है जमा। ये 10 मुदादी चार्टर है, ये मैंने साथियों में बांटा है, ये 26 अक्टूबर को भी दिया था, ये हमारा प्लान है। 5 नुकात तंजीम के हैं, तंजीम को कैसे बचाना है, तंजीम को कैसे ठीक करना है, और इसे 86, अब जब मैं कहता हूं 86 की एमक्यूएम, खुदा की कसम इस वक्त सोशल मीडिया पर 86 की एमक्यूएम को लेकर ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है, अफसोस होता है इनकी सोच पर, इनकी अप्रोच पर। मैं बात कर रहा हूं साफ सुथरी एमक्यूएम, जो नजरियाती एमक्यूएम, मफाद परस्तों की मराद याफ्ताओं की एमक्यूएम नहीं, यह है 86 की एमक्यूएम जब मैं बात कर रहा हूं। तो ये कह रहे अच्छा उस एमक्यूएम में तो अनीस कायम खानी भी थे, मुस्तफा कमाल भी थे, तो क्या वो सबको मिलाना चाहते हैं? पता नहीं किधर से किधर बात को लेके जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 86 की एमक्यूएम का मतलब है ऐसे एमएनएस और एमपीएस इलेक्ट हो जो आवाम के एहतसाब को भी समझते हो, आवाम को जवाब दे हो। जो ये जिस तरह सैनेट के इलेक्शन में एमपीएस एमएनएस बिके, ये बिकाओ माल ना हो। मेरा गुनाह यही है कि मैंने एहतसाब की बात की, अच्छे पढ़े लिखे साफ सुथरे, जराइम से जिनका कोई वास्ता ना हो, करप्शन से जिनका कोई वास्ता ना हो। अगर मैं सरबरा होता और टिकट देता तो फिर जो उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए थे और जो उम्मीदवार हम खड़े करते, मैं आपके सामने उन उम्मीदवारों की भी लिस्ट दे सकता हूं जिनका हक था, जिनको खड़ा होना चाहिए था, और वो तैमूर तालपुर ने सूबा असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि मौजूदा असेंबली में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं
जिन्होंने सेनेट में अपना वोट और अपना जमीर भेजा। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये जो मौजूदा एमपीएम पाकिस्तान के एमपीएज हैं उनकी तहकीकात हो, उनमें से कौन है जो पहले भी थे जो पुराने भी थे। तैमूर तालपुर ने कहा कि जिन्होंने वोट बेचा जमीर बेचा हमें मालूम है, तो फिर तहकीकात हो कि एमपीएम के उम्मीदवारों ने एमपीएज ने जो अपने आप को बेचा उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, किन्होंने बेचा अपने आप को। हमारा केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तहकीकात हो। तो ये मारूजात हैं, ये गुजारिशात हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिलफौर मुनक्कद होना चाहिए, कारकुनों को उनका जमहूरी हक और जमहूरी हक मांगने की पादाश में अगर हमें मुझे शोकॉज दिया जा रहा है तो इंशाल्लाह ताला ये दो तिहाई की राबता कमेटी जो कि कठपुतली की तरह पार्टी के वडेरों आमिरों के इशारों पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उस वक्त से डरें जब कारकुनान इन्हें शोकॉज नोटिस देंगे इंशाल्लाह ताला। जब कारकुनान इन्हें शोकॉज देंगे तब इन्हें मालूम होगा कि ये कारकुनों की अमानत थी है और रहेगी, कारकुनों की मिल्कियत थी है और रहेगी, और सही मानों में से सियासी और जमहूरी पार्टी बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमपीएम पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत अच्छा, हमने एक सिंडिकेट भी बनाई है, महाजर मुत्तहिदा महाजर मजलूम सिंडिकेट, ताकि पीएसपी में जो कारकुनान गए थे उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, वो भी आए। सिंध के शहरों की अजमत और वकार को बहाल करने के लिए, 86 की एमपीएम को बहाल करने के लिए पीएसपी के कारकुनों को भी मैं खुशामदीद कहता हूं। आज जो यहां मौजूद हैं आए हैं, मैं उन्हें भी वेलकम बैक कहता हूं। पीटीआई से जो कारकुनान वापस आए हैं इस काफले में शामिल हुए हैं, अलीम मिर्जा भाई हो या दूसरे साथी हो, ये किन के रवैयों की वजह से गए थे? गैर जमहूरी रवैयों की वजह से, गैर सियासी गैर तंजीमी रवैयों की वजह से अगर ये आज वापस आ रहे हैं, मुत्तहिदा महाजर मजलूम सिंडिकेट में शामिल हो रहे हैं, तो मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और जो यहां मेरी बहनें हैं, बेटी बेटियां हैं, बाजियां हैं, मैं इनकी इस्तकामत पर भी इन्हें भी दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं। और आज दिवाली है, मेरी हिंदू ब्रादरी के भाइयों बहनों का त्यौहार है, उसके बावजूद गैर मुस्लिमों की भी यहाँ पर मुनासिब तादाद मौजूद हैं, मैं उन्हें और हिंदू ब्रादरी के तमाम पाकिस्तानी शहरियों और दुनिया भर के हिंदू मत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, और कोई बात रह गई? मैं आज ओआरसी तंजीम बहाली कमेटी हैदराबाद की जो जेली कमेटी उसका ऐलान करूंगा अपने प्रोग्राम में, ओआरसी हैदराबाद कमेटी। फिर आप जाके ग्रुप के साथ मिल गए, जो कारकुनान आपके साथ खड़े थे वो बेचारे मिल गए, अब दोबारा आपने ट्रेन लिया है, दोबारा आपने ग्रुप तश्कील दिया है, दोबारा आप कारकुनान को जमा करने के लिए आए हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दोबारा जाकर उनके साथ मिल जाए कि एमकेएम की अब दोबारा देखिए, मैंने अपने सियासी तजुर्बे और बसीरत की रोशनी में कुछ साथियों से मशवरा किया और मैं वापस चला गया यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए। मेरे साथ अगर पार्टी के आमिरों का, पार्टी के कब्जागीरों का रवैया अगर सही नहीं है, तो मैं इस बेइज्जती के साथ भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन कारकुनों के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया और चंद अफराद ने जिस तरह फैसले मुसल्लत किए बगैर सलाह मशवरे के, बाई इलेक्शन में किस तरह उम्मीदवारों का चुनाव हुआ, कैसे हुआ? अली रजा आपकी का हक था एन ए 243 में, एन ए 247 में अगर मुझे ना टिकट दे मैं तो वैसे भी नहीं लेता, लेकिन मुजाहिद रसूल का हक था, आदिल अस्करी का हक था, समर अंसारी का हक था। वहां जो साथी काम करते हैं, जो कारकुनान सीनियर है वहां के, एक फारूक नाम के कारकुन है, उनका हक था, सीनियर साथी थे, वो भी अपनी जेब से अपने पल्ले से पैसे खर्च करते, तो ये अपनी मर्जी से कैसे टिकट दिए गए? किससे मशवरा किया गया? मुझसे तो कोई मशवरा नहीं किया गया, जबकि मैं राबता कमेटी का रुकन था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया? जब मशवरे नहीं होंगे, फैसले दो आदमी तीन आदमी करेंगे, तो फिर कौम की तकदीर से मैं खेलने नहीं दूंगा इन्हें। कारकुनों के मुस्तकबिल से, सिंध के शहरों के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मैं इन्हें खेलने नहीं दूंगा। और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तल्ख तजुर्बे के बाद मैं कारकुनों को छोड़ के वापस जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अब कारकुनान और हम जाएंगे वहां पर, जब ये कब्जा खाली होगा और कब्जा खाली कराकर हम इंशाअल्लाह एक साथ जाएंगे वहां पर। चलिए बस, अब मुझे कारकुनों का प्रोग्राम, आपने कहा कि पीएचसी में गए जो दोस्त हैं वो वापस आए तो उनको वेलकम करेंगे, 86 की आपने बात की, तो इसका मतलब ये है कि कमाल भाई से एक बार साथ मिलाने जा रहे हैं आप? देखें, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेता, मुझे किसी से हाथ नहीं मिलाना। एक सिंडिकेट बनाएंगे, जिसको आना है वो ज्वाइन कर ले, अपनी पार्टी को रखे, लेकिन कोई मशवरा ऐसा दे, कोई हमें ऐसी अवामी मोबिलाइजेशन करनी है, इतने सालों का सबका तजुर्बा है, कम से कम अब हर एक के ज़मीर पर ये बोझ होना चाहिए कि वो ये सोचे कि उसने क्या खोया क्या पाया, और जब हम एक साथ थे तो कितनी बड़ी ताकत थे। आज भले उन्हें वोट नहीं मिला, पीएसपी को वोट नहीं मिला, 1 लाख वोट मिला है, 1 लाख का वोट मिला है, लेकिन मेरी नजर में वो 1 लाख वोट भी कीमती है, लेकिन वो कारकुनान और उससे ज्यादा वो कारकुनान कीमती है। मैं लीडरशिप की तो बात ही नहीं कर रहा, कारकुनान हमारे रवैयों से पीएसपी में गए थे, उन्हें मुझे वापस लाना है, तो ये सिंडिकेट उन्हें वेलकम करती है। खुशामदीद कहती है लीडरशिप पर भी लोग आएंगे तो सिंडिकेट में आएंगे, पहले हम सिंडिकेट में बैठेंगे, वहां बात करेंगे, जो सिंध के शहर उसमें जो गैर सियासी लोग, दानिश्वर, मुफक्किर, अखबार के मुदीर, सीनियर सहाफी, लिखारी, अदीब, मैं उन सबको दावत दूंगा इंशाल्लाह, और उन सब के साथ बैठूंगा, और हर 3 महीने में हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह कि सिंध के शहरों को कौमी सियासत में उनका किरदार कैसे लौटाया जाए, जुनूबी सिंध सूबे की तहरीक को कैसे कामयाब किया जाए, जुनूबी सिंध इंतजामी यूनिट, चले सूबा नहीं, जुनूबी सिंध इंतजामी यूनिट की तहरीक को कैसे कामयाब किया जाए, ये हमारा नारा है। देखें, इसकी तफसील मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन काफी लोगों को ये नोटिस सर हुए थे और उन्हें किसी किस्म का गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है, और जो नोटिस आया है उसमें पहले से ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो पैसा भी किसी ने डोनेट किया तो डोनेशन देने वाले अगर उसका गलत इस्तेमाल है तो वो साबित किया जाना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, सियासी बुनियादों पर कुछ नहीं होना चाहिए किसी के खिलाफ भी, मैं इस बात को मानता हूं, सियासी बुनियादों पर किसी खिलाफ नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया।
आप इंतजाम की बात कर रहे हैं और आपके पास आपकी बातों से लग रहा है कि आपके पास जो एमक्यूएम के लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन नहीं है, तो क्या आप मुहिबुल वक्ती का मुजाहरा करते हुए उनकी करप्शन पे व्हाइट पेपर शायद करेंगे? तंजीम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जेन्युइन कराया जाए, ये बात एमक्यूएम में पहली मरतबा किसी पार्टी ने अगर की तो वो हमने की कि अब जमातों को भी जमहूरी बनना चाहिए, उन्हें भी जेन्युइन इलेक्शन करा के अपना सरबरा मुंतखब करना चाहिए चार साल के लिए, चार साल के लिए सरबरा मुंतखब करना चाहिए, ऑफिस बियरर जिसमें चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, वाइस चेयरमैन हो, ट्रेजरार हो, माली सेक्रेटरी इतलात हो, ये सारे ओहदे होने चाहिए, इस पर इलेक्शन होना चाहिए। और करप्शन के खात्मे के लिए नैब काफी नहीं है, हर पार्टी को अपने अंदर एहतसाब का निजाम वजा करना चाहिए, मैंने इसकी आवाज उठाई है और उसकी बात की है। और कारकुनों के इजलास में इब्तदाई तौर पर मैं, आमिर खान और कंवर नवेद आए, जो कारकुनान सवाल पूछे मैं जवाब दूं, कंवर नवेद से पूछे तो कंवर नवेद जवाब दें, आमिर खान से पूछे वही फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कारकुनों के इजलास में। यही उपन वतनी है भाई, वाइट पेपर ही है यार, वाइट से ज्यादा वाइट।